अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ ज़ेब रिज़वान और आप देख रहे हैं फूड हिस्ट्री। आज हम आए हैं ज़मीर अंसारी आपको लेकर। यहाँ पे बारबेक्यू बहुत ज़बरदस्त मिलता है, हमने सोचा कि आपको हम यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करें, तो आइए मेरे साथ, हम चलते हैं ज़मीर अंसारी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये है ज़मीर अंसारी, जो कि यहाँ के बारबेक्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा मशहूर है। और ये लोकेटेड है आलमगीर रोड पर और ये बिल्कुल सदाबहार लॉन के नियर है। और यहाँ पर आज हम आपको लेकर आए हैं यहाँ की ख़ास और इसकी स्पेशलिटी चेक कराने के लिए। आप भी मेरे साथ इंजॉय करें और आप देख सकते हैं कि यहाँ का एनवायरनमेंट कितना ज़बरदस्त है, कूल कूल सा है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ लाइटिंग हुई हुई है और बहुत ही पीसफुल जो यहाँ पर एनवायरनमेंट है, ज़बरदस्त किस्म का। यहाँ की स्पेशलिटी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम बारबेक्यू मशहूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें यहाँ पर मशहूर है फ्राई कबाब। वो बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई कबाब होता है। मैं यहाँ पर सेकेंड टाइम आ रही हूँ खाने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये एक्सपीरियंस शेयर करूँ ज़रूर, और ताकि आप भी आएँ और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करें फ्राई कबाब को। यूनिक चीज़ें हैं इन लोगों की कि खाना जो है वो नीचे से ऊपर एक लिफ्ट के थ्रू आता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि खाना जो आया है वो लिफ्ट के ज़रिए। प्लास्टिक रैपिंग शीट से कवर, अब हम इसको ट्राई करते हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ इसको खाने के लिए, क्योंकि बहुत 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 ही ज़्यादा मज़ेदार है। इसको ट्राई करते हैं कि ये कैसा है और मैं आपको इसका जायका बताती हूँ, टेस्ट बताती हूँ कि किस तरह से खाने में। तो यहाँ पर हमने पूरी पराठे मंगाए हैं क्योंकि इससे मज़ा दोबारा हो जाता है पराठे से खाने का। और हम दोबारा बनाएँगे और ये इसकी स्पेशल चटनी है जो यूज़ की जाती है फ्राई कबाब के साथ। और गोइंग टू पुट इट इन द फ्राई कबाब एंड सी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार जायका है जो फ्राई कबाब है, ये बिल्कुल मुंह में घुल रहा है। इसकी स्पेशल बात ये है कि ये इसको मक्खन में बनाया जाता है, पहले कबाब को कोयलों में बनाया जाता है, उसके बाद इसको मक्खन में फ्राई किया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है और मुंह में ही इसका जो टेस्ट है वो रहता है और ये मुंह में जाते ही घुल जाता है। इसकी चटनी आप देख सकते हैं कि ये चटनी भी इसकी स्पेशल है और ये इसके साथ इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस होता है। चलें अब मैं थोड़ा सा इसको खाने जल्दी से क्योंकि ये ठंडा हो रहा है। जी व्यूअर्स, अब यहाँ पे मैंने फ्राई कबाब पूरा खा लिया है, बहुत मज़ा आया है मुझे खाने का। मेरी तरफ से ही आपको फुल रिकमेंडेशन है कि आप ज़मीर अंसारी आएँ और यहाँ पे फ्राई कबाब ट्राई करें। इसका और भी बारबेक्यू आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मस्ट ट्राई द फ्राई कबाब हियर। अब थोड़ी चाय की तलब हो रही है तो हम सोचा कि हम जाएँगे यहाँ बिल्कुल नियर सामने ही इसके आलमगीर है, वहाँ पर हम लेंगे एक चाय का ब्रेक और आप हमारे साथ रहें। जी जनाब, हम यहाँ पर आ गए हैं कोटा आलमगीर होटल पर और यहाँ पर हम पीने आए हैं चाय। जिसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग है चाय की वो यहाँ पर ज़रूर आएँ, जो चाय के शौकीन हैं वो चाय पीने के लिए जब यहाँ पर आएँगे तो होपफुली कि उनको यहाँ की चाय पसंद आएगी भी। तो यहाँ की चाय बड़ी क्रीमी और मज़ेदार सी होती है, बिल्कुल बैलेंस टेस्ट होता है। और क्या हमारे पठान भाइयों के हाथों में जो है वो टेस्ट है, जो है वो बहुत ही मज़ेदार चाय बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे चाय पीने के लिए ज़रूर आती हूँ। सो लेट्स एंजॉय। जी जनाब, चाय यहाँ पर हमारी आ गई है गर्मा गर्म मज़ेदार, और अब मैं आपको चाय का टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी है। बहुत ही मज़ेदार, क्रीमी और बहुत ही नाइस किस्म की चाय है ये। जिसको भी क्रेविंग है चाय की तो वो आलमगीर ना आ रहा मुझे। जनाब यहाँ हो गई हमारी चाय ख़त्म, हमने मज़े उड़ा लिए हैं चाय के और बहुत ही हमने ज़्यादा इंजॉय किया है आज।
होपफुली आपने भी मेरा व्लॉग इंजॉय किया होगा, और अगर इंजॉय किया कमेंट करना ना भूलिए और बताइए कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करें। तो फिर मिलेंगे एक नई जगह पर नए खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़।